बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सईद फरमबास नकवी, नाइन जेम्स हीलिंग की तरफ से, और लाइव कॉल आप लोगों के लिए। मैं लेकर आया हूँ तमाम मोमिनीन के लिए कुछ हकायक, अपने मोमिनीन बहनों के लिए और भाइयों के लिए, जो शायद आज तक आप लोगों के सामने ना लाए गए हों। हम बात करेंगे कुरान से, हम बात करेंगे हदीस से, हम बात करेंगे कौले मासूम से, ताकि हल मिन नासिर यन सुरना की सदा में कुछ हिस्सा हम भी डाल सकें। कि याद रखिए कि आइमा मासूमीन ने हमें जो दर्स दिया है अहले बैत का, उसमें सब हकीकतें ही हकीकतें हैं। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुबहम हो या छुपी हुई हो। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में शायद फंस चुके हैं और उनसे निकलना चाहते हैं, निजात चाहते हैं, लेकिन कोई भी शख्स हमें हकीकी रास्ते की तरफ नहीं ले जाता। ऐसी चीज़ों की तरफ ले जाता है कि जो शायद हकीकत पर मबनी ना हो, और इंसान बेसिकली हकीकत से दूर होता चला जाए। बेसिकली तफक्कुह फिद्दीन हर शख्स पर लाजिम और वाजिब है। बेसिकली फिका को सीखना और अपने आइमा मासूमीन की मार्फत हासिल करना हर शख्स पर लाजिम है। और ये हदीस शरीफ है कि मैं तुम में दो ग्राम बहा चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं है, ना जुदा करने की कोशिश करना, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर ये मेरे पास इकट्ठी पहुँचेंगी। आज हमने एक को गायब समझ लिया है और एक को पढ़ना छोड़ दिया, जिसके नतीजे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे दरमियान आ गई हैं और हम भटकते जा रहे हैं, ग्रुप्स में बढ़ते जा रहे हैं, हम एक दूसरे के मुखालिफ होते चले जा रहे हैं। वो कौम जो एक अली वलीउल्लाह पे यकजा थी, आज वो कौम बिखरती जा रही है। तो इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से पहला तस्करा करना चाहूँगा मैं कि इमामिया जंतरी हमारे यहाँ, मेरे ख्याल कुरान इतना कहीं नहीं पढ़ा जाता जितनी कि ये किताब पढ़ी जाती है। इमामिया जंतरी के अलावा आलमी जंतरी भी है, जंजानी जंतरी भी है, शिया जंतरी भी है, बहुत सारी जंतरियाँ वजूद में आ चुकी हैं, लेकिन इनकी हकीकत क्या है, आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालूँगा। लफ्ज़ इमामिया जंतरी, इमामों की जंतरी, ये इमामों की जंतरी है क्या? जंतरी बेसिकली एक हरूफ है, जंतर मंतर तंतर, जंतर से जंतरी निकाली गई। तो क्या हमारे इमामों का ताल्लुक किसी जंतर मंतर से है? और दूसरी चीज़, जंतरी कहा जाता है उस हिंदुओं के कैलेंडर को जिससे ये बच्चों की जन्म कुंडलियाँ निकालते हैं। तो क्या हमारे आइमा मासूमीन की जन्म कुंडलियाँ वगैरह या कोई ऐसी चीज़ करते थे? नहीं। अब इसमें जो एक चीज़ और आई है हमारे पास, जब हम जंतरी खोलते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसके ऊपर पढ़ना चाहते हैं वो है कि ये हमारा साल कैसा गुजरे, हमारा बुर्ज क्या है, हमारा सितारा क्या है, और वो हम बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। लेकिन अब अगर आप इसके लिए, हम जिससे भी राबता करते हैं कि मेरा बुर्ज क्या है, मेरा सितारा क्या है, या मेरे पत्थर कौन से हैं, तो वो आपका नाम पूछता है, माँ का नाम पूछता है, डेट ऑफ बर्थ पूछता है, फिर आपको आपका सितारा बताता है, और फिर आपकी सारी चीज़ें बताता है, और फिर ये साल कैसा गुजरेगा वो बताता है। और ये चीज़ें हम हर टीवी से सुनना चाहते हैं, हर जगह से सुनना चाहते हैं, और उसके अंदर हमें हर वो चीज़ अच्छी लगती है कि जो हमें मुस्तकबिल के बारे में पेशबीन बताए। तो सबसे पहले
हम आयमा मासूमीन को कोट करते हैं कि आयमा मासूमीन नजूमियों के बारे में क्या कहते हैं। तो आपके सामने ये किताब नहजुल बलागा हाजिर है, इसका खुतबा नंबर जो है आप 77 खोलिए, और इसके अंदर वाजियन मौजू जो है वो नजूमियों के बारे में है कि नजूमी कौन है। कि मौला फरमाते हैं कि जब आपने जंगे खारिज से निकलने का इरादा किया तो एक शख्स ने कहा कि या मेरे मौलान, अगर आप इस वक्त निकले तो इल्मे नजूम की रूह से मुझे अंदेशा है कि आप अपने मकसद में कामयाब व कामरान नहीं हो सकेंगे। जिस पर आपने फरमाया कि क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम उस घड़ी का पता देते हो कि कोई अगर उसमें निकले तो उसके लिए कोई बुराई ना होगी, और उस लम्हे से खबरदार करते हो कि कोई इसमें निकले तो उसे नुकसान दरपेश होगा। तो जिसने इसे सही समझा उसने कुरान को झुठलाया और मकसद के पाने और मुसीबत के दूर करने में अल्लाह की मदद से बेनियाज हो गए। तुम अपनी इन बातों से ये चाहते हो कि जो तुम्हारे कहे पर अमल करे वो अल्लाह को छोड़कर तुम्हारे गुम गए, इसलिए कि तुमने अपने ख्याल में उस साथ का पता दिया जिसके लिए फ़ायदे का सबब और नुकसान से बचाव का जरिया बनी। फिर आप लोगों की तरफ मुतवज्जे और फरमाया, ए लोगों, नजूम के सीखने से परहेज़ करो मगर इतना कि खुशकी और तरी में रास्ता मालूम कर सको, इसलिए कि नजूम का सीखना कहानत और गैब गोई की तरफ ले जाता है, प्रडिक्शन की तरफ ले जाता है। और मुनज्जिम नजूमी हुक्म में मिसले काहिन के है, काहिन मिसले साहिर के है, साहिर मिसले काफिर के, और काफिर का ठिकाना जहन्नम है। बस अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ो। अब इसमें मौला फरमाते हैं सरीहन के कोई शख्स नजूमी के पास जाए उसकी बात पर यकीन करे उसके लिए लाजिम है कि वह अपने लिए कोई रब ही और तलाश कर ले। वो दार इस्लाम से खारिज हो चुका है। तो बंदे खुदा आप मुझे बताएं। दूसरी चीज मौला फरमाते हैं कि ये तीन तरह से कुरान की तकजीब करते हैं। नंबर एक बात ये कहते हैं कि हम आपका जैचा वैचा बनाकर ये चीज़ें बनाकर हम आपका मुस्तकबिल वगैरह चीज़ें जो हैं वो बता सकते हैं। तो जबकि कुरान ये कहता है कि आलमुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। नंबर दो बात ये कहते हैं कि हम आपका अच्छा और बुरा वक्त बता सकते हैं, नेक और बद दिन बता सकते हैं। तो जिसने इस बात पर यकीन किया वो अल्लाह ताला की मदद और तवक्कल से दूर हो गया, उसको अल्लाह की मदद की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपना अच्छा और बुरा वक्त खुद ही देख सकता है। नंबर तीन बात कि इनकी कोई पेशनगोई इत्तेफाक से दुरुस्त साबित हो जाए तो ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं ये मैंने कहा था, ये मेरी पेशनगोई थी, ये प्रेडिक्शन मैंने की थी, ताकि लोग इसको बड़ा अक्लमंद और मुस्तकबिल का पेशनगोई समझते हुए तमाम के तमाम मसलों में इनके साथ जो है वो रुजू करें और इनको जो है इनके पास जाएं। अब मौला ने नजूम की सरीहन नफ़ी कर दी है, लेकिन इसमें साथ कहा कि नजूम इस कदर सीखो कि खुशकी और तरी में अपने रास्ते मालूम कर सको, और साथ ही मौला का फरमान ये भी है कि हमारी तुम्हें कोई भी रवायत मिले उसे कुरान से मुतमस्सिक करो, अगर उसके बराबर है तो वो हमारी है, अगर उसकी मुखालफत में है तो दीवार पर दे मारो। अब इसमें दो चीज़ें, एक तो नजूम से प्रडिक्शन लेना जो कि सरीहन गलत है, लेकिन दूसरी चीज़ जिसको कहा गया कि इसको सीखो आप जो जायज़ है कि वो खुशकी और तरी में रास्ते मालूम कर लो। तो ये अल कुरानुल हकीम, इसकी सूरह इनाम आयत नंबर 96 और 97 को ज़रा आप गौर से पढ़ लीजिए कि उसी ने दिन और रात को खल किया और रात को आराम के लिए बनाया और इनको हिसाब से रखा ताकि आप हज के औकात मालूम कर सकें, और ये खुदाए गालिब व दाना के मुकर्रर करदा असूल हैं, और वही वो खुदा है जिसने तुम्हारे नफ़े के वास्ते सितारे पैदा किए ताकि तुम जंगलों में, दरियाओं में, तारिकियों में उनसे राह मालूम करो। जो लोग वाकिफ कर रहे हैं उनके लिए हमने कुदरती निशानियां खूब तफसील से बयान कर दी। अब देखिए आपके सिराओं और तरीकियों में रास्ते कैसे तलाश होते हैं, सिराओं और तरीकियों में और दरियाओं में रास्ते, कि ये रात के वक्त आसमान पर 7 स्टार की ट्राइंगल बनती है और उसके 2 सितारों की सीध में हमेशा कुतबी सितारा होता है और कुतबी सितारा हमेशा शुमाल में होता है। रात को आप कुतबी सितारा तलाश कर लीजिए, आपकी बिल्कुल बैक पे जनूब है, उसके दाएं तरफ मशरिक है, बाएं तरफ मगरिब है, आपको रास्ते मालूम होंगे। लेकिन नजूम की मौला ने नफ़ी किया, जिसमें भी प्रडिक्शन दी जाती हो वो गलत है। और फिर दूसरी बात यह है कि ना तो जिस वक्त आप पैदा हुए, जिस लम्हे पैदा हुए, जिस साथ में पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए, जिस महीने पैदा हुए, जिस साल पैदा हुए, क्या आपका नाम, आपका सरनामा और दूसरे नाम का सरनामा, क्या उनकी कैलकुलेशन करके रखा गया था? क्या आपके नाम के तमाम आदाद उसके बराबर मैच करके रखे गए थे? तो जब आपने ये काम किया ही नहीं है तो अब आप कैसे अपना सितारा मालूम कर रहे हैं? ये तो कोई भी नजूमी उठ के नाम का पहला अरफ लिया तो ये इस तारे में आता है तो इधर चला जाए, ठीक है। और लुत्फ की बात ये है कि अगर आप इनके साइंस पर ज़रा सा भी गौर करें, ये कैप्रिकॉन, एरीज, लियोज जो अपने आप को बताते फिरते हैं, ये बेसिकली यूनानियों के देवी देवता हैं।
और यूनानियों के देवी देवता जो हैं इन्होंने एक ऐसा इल्म जात किया कि इन्होंने ये, चूंकि शुरू तो नजूम परस्ती जो है वो ईरान से हुई थी, कदीम जरतश्त की कौम से, और ये मजूसी कहलाते थे, सितारों के पूजने वाले। और सितारों को पूजने वाले ये करते थे कि ये कहते थे कि ये सितारे जो हैं हमारी किस्मतों का हाल बताते हैं। और लुत्फ़ की बात ये है कि ये जब इलम ग्रीक में गया तो ग्रीक यूनान वालों ने ये किया कि इन सितारों को जो था ये कहा कि हमारे जितने देवी देवता हैं वो मरते हैं आसमान पर जाकर सितारे बन जाते हैं, तो ये बड़े बड़े सितारे इन्होंने साथ रखे और सात सितारों के साथ ही इन्होंने 12 बुर्ज रखे, 12 बुर्जों को देवी देवताओं पर तकसीम किया और ये किया कि हर महीने में पैदा होने वाला बच्चा उसी महीने की देवी या देवता का गुलाम होगा। अब वो जिस चीज़ की देवी या देवता है वो वही काम करेगा और जो उसके दोस्त हैं उन्हीं में वो शादियाँ करेगा। ये इलम कम्प्लूटली तौर पर मुशरिकों का था जिसको घुसेड़ा गया इस्लाम के अंदर। अगर इन चीज़ों को लिया जाए तो ये आप खुद देख सकते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो गलत सिम्त में जाती हैं। मैंने इसके ऊपर कम से कम भी कोई 20 से ज़्यादा क्वेश्चन किए जिनका मुझे आज तक कोई भी जवाब नहीं दे सका कि गैलीलियो ने दूरबीन ईजाद की थी पहली दफ़ा 1615 में और हबल ईजाद हुई 1955 की सीरीज़ में, और उसके बाद हमने देखा कि हमारी कहकशां में और भी सितारे मौजूद हैं, तो क्या इससे पहले कौन सा शख्स पहाड़ की चोटियों पर बैठकर कौन सी गैलेक्सी में झांकता रहा और कौन से सितारों को जांचता रहा और कौन सी ये नेपटून प्लूटो वगैरह जो थे और ये जो मुश्तरी और जोहल थे इनको कहाँ वो देखता रहा और कैसे उनके मदार बनाता रहा और कैसे करता रहा और कैसे उनकी शौं आने वाली शौं को हमारे जिस्मों पर पड़ते हुए देखता रहा और उनके असरात को नोट भी करता रहा। बेशुमार लोग हैं जो इन चीज़ों के कायल हो चुके हैं क्योंकि ऐसी चीज़ों के जवाब नहीं हैं और उनका इलम भी नहीं है तो इन चीज़ों को मानते हैं। अब दूसरी चीज़ जिसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा रागिब हैं वो है नेक और बद दिन। हम ये कहते हैं कि नेक और बद दिन जो हैं ये लाजिम हैं, हम अपने शादी ब्याह भी नेक और बद दिनों के हिसाब से रखते हैं और नेक और बद दिन जो हैं हम बड़ा काउंट करते हैं कि फ़लाँ दिन नैस है, फ़लाँ नैस अकबर है, फ़लाँ नेक है और फ़लाँ निकाह के लिए बद है, फ़लाँ इन चीज़ों के लिए बद है और हम ये सब काम करते हैं। तो आइए ज़रा हम जाते हैं मशारी के अनवारुल यकीन, इसके ऊपर मौला का जो खुतबा है जिसके अंदर मौला खुद फरमाते हैं कि जिसने, हम ही दिन हैं हम ही रात हैं, और जिसने दिन और रात को, दिन और रात की मार्फत नहीं रखता वो अल्लाह की मार्फत नहीं रखता। मौला फरमाते हैं कि हफ्ते से मुराद रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यौम अलस्त कहलाता है, शुम्बा भी कहलाता है, यानी इस दिन का नूर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से तख्लीक पाया। अगला दिन है यकशुम्बा जो इतवार कहलाता है, इस दिन का नूर मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के नूर से चमका। इससे अगला दिन जो पीर है वो दोशुम्बा कहलाता है, ये मौला हसन और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, इनके नूर से ये दिन तख्लीक किया गया। अगला दिन मंगल है जो तीन नूरों से मिलकर बना, बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मे सलमा। और अगला दिन है बुध, ये चार नूरों से मिलकर बना जो कि हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम। इससे अगला दिन जुमेरात है जिसको पंचशुम्बा भी कहा जाता है, ये पाँच नूरों से मिलकर बना और पाँच नूर जो हैं वो अगले पाँच इमाम हैं, यानी मौला अली रज़ा बादशाह अलैहिस्सलाम, मौला इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, मौला अली नकी अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हसन असकरी अलैहिस्सलाम और मौला इमाम कायम हुज्जत सलाम बकियतुल्ला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। और जुमा निकला है अजमैन से, अजमैन का मतलब है इज्तमा करना। इस दिन तमाम मोमिनीन मलाइका अरवाह इकट्ठे होते हैं और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं और उनके दुश्मनों पर लानत भेजते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या अली कौन से दिन है, कौन से दिन नेक हैं, कौन से दिन बद? आपने फरमाया, वो दिन जो याद खुदा में गुजरे नेक है, जो याद खुदा के बगैर गुजरे बद है। किसी दिन को बुरा ना कहो, ये दिन हम हैं, इनका नूर हम हैं और अल्लाह ने किसी बद चीज़ को खल्क ही नहीं किया, ये तो इंसान खुद है जो अपने कॉल ऑफ फेल से किसी चीज़ को नेक और बद करता है। अब आप मुझे बताइए कि वो चीज़ें हमने जो सराहियत कर चुकी हैं आयमा मासूमीन के बारे में क्या फरमाते हैं।
अब इसमें जो मेन चीज़ है, हम आते हैं अपने बेसिक मकसद की तरफ कि नाइन जेम्स एक ऐसा इदारा तैयार किया गया जिसके अंदर हीलिंग एक्सपर्ट, जवाहरात की हीलिंग के एक्सपर्ट, मुझे यानी सैयद खुर्रम अब्बास नकवी को हायर किया गया। और इसके अलावा चूँकि इस वक्त जवाहरात की हीलिंग के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान इंडिया में सिर्फ ये इदारा जो है ये हीलिंग पर काम कर रहा है। हमने जवाहरात की हीलिंग पर काम शुरू किया और इसके अंदर पीएचडी डॉक्टर्स भी हमारे साथ। फिर हमने पाकिस्तान की फ़र्स्ट प्राइवेट जैम लैब जो है वो कायम की। इस जैम लैब का मकसद ये था कि तमाम के तमाम जवाहरात की क्वालिटी को परखा जाए और उनकी ओरिजिनलिटी को चेक किया जाए और उसके बाद मोमिन को दिया जाए। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जो जवाहरात लेकर आते हैं, हम में से मैक्सिमम जो जवाहरात हैं वो हम ईरान, इराक, शाम, मक्का, मदीना से लेकर आते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि ये ईरान, इराक, शाम, मक्का, मदीना से मैक्सिमम जो जवाहरात लाए जाते हैं वो नकली होते हैं। वो लाइक एज इस कलर में भी हो सकता है, वो लाइक एज इस कलर में भी हो सकता है, वो लाइक एज इस कलर में भी हो सकता है, वो लाइक एज इस कलर में भी हो सकता है। ये ब्लैक अकीक और ये वो, इनकी एक पहचान मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप असल और नकल अकीक को पहचानना चाहते हैं तो इसकी जो बेस होती है, सेंटर वाला हिस्सा जो पोर्शन होता है, इसको ज़रा देखें आप। इसको अगर आप ज़रा सा मस करें, आप ज़रा सा मूव करें तो देखें इसके एक सेंटर पोर्शन के अंदर एक हल्का सा घड़ा जो है वो पैदा होता है। ये एक हल्का सा कर्व जो है वो पैदा हो रहा, और इसके किनारे पर जो है वो धार है, ठीक है। तो ये जो जवाहरात आपको मार्केट के अंदर दिए जा रहे हैं, ये सब के सब जो हैं फेक हैं, आर्टिफिशियल हैं। इनके सेंटर में घड़ा इसलिए पैदा होता है कि बेसिकली जब इसको सुखाया जाता है डाइयों के अंदर, तो इसके अंदर एयर पैदा हो जाती है और वो एयर इसको नीचे से उठा देती है। जैसे आपको, आप बर्फ़ का बाउल रखते हैं, आप फ्रिज के अंदर बर्फ़ का प्याला रखते हैं, तो पानी बिल्कुल लेवल पर होता है जब आप पानी रखते हैं, लेकिन जब वो जमता है तो दरमियान से उठ जाता है, ठीक है। असल में जवाहरात आइमा मासूमीन का मोमिनीन के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। जवाहरात की एक बहुत बड़ी साइंस है। इनका नजूम से कोई ताल्लुक नहीं, इनका आपकी बॉडी से ताल्लुक है। ये आपके जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। बेशुमार अहादीस आइमा मासूमीन की मौजूद हैं जो कि जवाहरात पर हैं कि आप जवाहर क्यों पहने, इसकी क्या है। सबसे पहली चीज़ हदीस शरीफ है कि सुन्नत मुअक्कदा है मर्द और औरत के लिए अकीक पहनना। अच्छा, इसी अकीक सुन्नत की बिना पर यह पहना गया, तो क्यों पहने हम अकीक, वजह क्या है, क्यों फरमाया गया कि यह सुन्नत मुअक्कदा है। एक तो इससे सबसे पहले आइमा मासूमीन की, अहले बैत की, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की वादानियत की, जनाब उसके साथ जो थी गवाही दी, रसालत की गवाही दी, और रसालत की गवाही दी और उसके साथ विलायत की गवाही दी, इसलिए पत्थर मुकर्रब तरीन था। लेकिन अब हम इसको अगर हम साइंटिफिकली चेक करना चाहें कि ये साइंटिफिकली तौर पर ये चीज़ क्या है, जो ओरिजिनल अकीक है वो क्या है, तो ओरिजिनल अकीक जो है बेसिकली साइंटिफिकली तौर के ऊपर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकेट है। और सिलिकेट आप किसी भी, आप फार्मासिस्ट के पास चले जाएं या डॉक्टर के पास चले जाएं, सिलिकेट जिन भी मेडिसिन के अंदर डाला जाता है, बेसिकली उनका काम आपके बॉडी प्रेशर को बिल्डअप ना होने देना। सिलिकेट बेसिकली इसका काम ये है कि ये आपकी बॉडी को नॉर्मल रखता है, आपकी माइंडसेट्स को लेवल पे रखता है। तो अकीक अगर आप खालिस पहनेंगे तो आपकी तबीयत एतदाल में रहेगी। एतदाल में रहने की वजह से जहाँ बहुत सारी आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उन प्रॉब्लम्स को जो है वो ख़त्म कर देगी, आपको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स देगी। अब ब्लैक गैस फिरोज़े के बारे में है कि भाई फिरोज़ा पहनो, हदीस शरीफ है कि फिरोज़ा पहनो नुसरत के लिए, ताकत के लिए, बेऔलादी से बचने के लिए। तो ये है क्या चीज़, ये है क्या चीज़। बेसिकली फिरोज़ा जो है, इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ द कॉपर, मैगनीज, आयरन, फास्फेट, CaCO3।
बेसिकली इंसानी जिस्म में जो मेडिसन्स आप एलिमेंट्स होते हैं, 109 एलिमेंट्स हैं, इनकी कमी बेशी इंसान बीमार होता है या सेहतमंद होता है, ठीक है। और डॉक्टर्स रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद वो चेक करते हैं कि इस चीज़ में किस चीज़ की डेफिशिएंसी, कमी है या ज़्यादती है। अगर कमी है तो उसको वो कर लेते हैं, उसको मेडिसिन दे के बढ़ा देते हैं, और अगर ज़्यादती है तो उसको कम कर देते हैं। ये स्टोन्स बेसिकली कम्प्लीटली तौर पर मेडिसन्स हैं एक इंसान के लिए। मैंने प्रूव किया, मेरे साथ पीएचडी डॉक्टर्स थे और उनकी वीडियोस भी आप यूट्यूब पे सही फ्रोमबास नकवी के नाम से या 9 जेम्स हीलिंग के नाम से आप वॉच कीजिए तो आपको मेरी बेशुमार टीवी पर इंटरव्यूज मिल जाएंगे। खुर्रम जेमस्टोन हीलिंग, 9 जेमस्टोन हीलिंग, ये हमने इसलिए बनाया कि हम लोगों को असल हकायक तक पहुंचा सकें कि बेसिकली इन स्टोन्स का काम है क्या। याद रखिए, इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ दैट नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, बट आई बिलीव्ड एंड प्रूव दैट नेचर कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ नेचर, एंड दीज नेचर क्रिएटेड जेम स्टोन्स हैव अ एबिलिटी टू रिड्यूस ओवर नेगेटिव्स एंड हाईलाइट ओवर पॉजिटिव्स। सो चूज योर जेम स्टोन एंड चेंज योर लाइफ। अब ये आपकी लाइफ को चेंज कैसे कर सकते हैं? इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो जेम स्टोन का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जेम की माहियत को नहीं जानता, और ये कैसे दिए जाएं किसी को ये भी नहीं जानता। इस वक्त दुनिया में वाहिद एक इलम है जिसके ज़रिए कि आपका बुर्ज क्या है, सितारा क्या है, और कैसे आपका कौन सा पत्थर है, किसी की कोई तहकीक नहीं। मैं ये कहता हूँ, और मैक्सिमम लोग माँ का नाम पूछते हैं, हालांकि मौला फरमा चुके हैं कि हमारे जो चाहने वाले हैं उनसे कभी भी माँ का नाम नहीं पूछा जाएगा, माँ का नाम से बुलाया जाएगा हमारे दुश्मनों को, क्योंकि उनकी वल्दियत मशकूक होगी। और कुरान पाक की आयत भी कि यौमा नदून कुल्लो अनासुम बे इमाम ही, कि बरोज़े महशर हर शख्स अपने इमाम के साथ उठाए जाए, इमाम के साथ। इमाम जो है वो आप पर शाहिद है। ईदी में पड़ा हुआ, झूले में पड़ा हुआ बच्चा, जंगल में पड़ा हुआ बच्चा, ना जानता है उसकी माँ कौन है, ना जानता उसका बाप कौन है, लेकिन वक्त का इमाम शाहिद है कि उसकी माँ कौन है और उसका बाप कौन है। अब माओ के नाम पूछे जाते हैं और माओ के नाम बता रहे होते हैं, और मैं अक्सर टीवी पर यह कह रहा हूँ, भाई मुझे माँ का नाम नहीं चाहिए, बाप का नाम बताओ। तो ये स्टोन्स और इनकी माहियत और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके ऊपर मेरे बहुत सारे लेक्चर्स टीवी पर भी हैं, बहुत सारे अखबारात के अंदर भी आ चुके हैं। हम ये चाहेंगे कि आप इन स्टोन को लेना चाहें जो कि रियलिटी के साथ हों, तो हमने एक जेम लैब कायम की, और जेम लैब पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारी, सिर्फ 5 हैं जेम एंड ज्वेलरी एसोसिएशन ने जो कायम की, जिनमें से एक पेशावर में है, एक लाहौर में है, एक कराची में है, एक कोयटा में है, और एक गिलगित में है। 6th लैब हमने कायम की 9 जेम्स हीलिंग ने, जिसके अंदर थाईलैंड से आए हुए 2 साल की डिग्री होल्डर एक जियोलॉजिस्ट एंड जमालोजिस्ट अदनान अब्दुल करीम को हायर किया, और इस लैब के अंदर तमाम स्टोन की टेस्टिंग के बाद हम ये स्टोन्स लाइफ टाइम गारंटी के साथ सबको देते हैं। और हमारा ये दावा है कि हमारा दिया हुआ जो स्टोन है, अगर वो किसी भी दुनिया की लैब में गलत साबित हो जाए तो हम विद जुर्माना तमाम की तमाम पेमेंट वापस करते हैं। लेकिन बेसिकली हमारा मकसद, हमारे जो मोमिनीन हैं इनकी खामियों को ख़त्म करना और इनकी खूबियों को बढ़ाना, और इसके लिए हमने मदद ली इल्मे जो है जफर से, हिकमत से, इल्मुल अदाद से, जो अब जो चीज़ है, अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी अली बुखारी साहब क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मौला अली मदद अली बुखारी साहब, कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मैं अपनी मंजिल को पाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प की जाए। भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ,
बेसिकली हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी वजह यही है कि हमारा जो नाम है वो अली बुखारी साहब, एक तो आप मुझे आप अपना नाम, जो पूरा नाम है आपका, अली हुसैन है, अली अब्बास है, मोहम्मद अली है, जो भी है, आप अपना पूरा नाम यहाँ पर भेजिए, मैं आपकी क्वालिटीज़ आपको बताऊँगा कि आप में खूबियाँ क्या हैं और खामियाँ क्या हैं, और इस बिना पर मैं ऐसे स्टोन तजवीज़ करूँगा जिसको आप पहनेंगे तो सूरज से आने वाली शुआओं को ये स्टोन अपने अंदर जज्ब करते हैं और जज्ब करके आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और ये रेस जब आपके अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो असरअंदाज होती हैं कि वो आपके कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म पे असरअंदाज होती हैं, और वो असरअंदाज होने के बाद अली कासिम भाई मैं अभी आपको बताता हूँ, वो आपके कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म असरअंदाज होती हैं, आपकी बोन मैरो को स्ट्रांग करती हैं, अगर वो रेस पावरफुल हैं, रेस थेरेपी तो आजकल हो रही है ना भाई, रेस थेरेपी से ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और इनसे भी इलाज हो रहा है। देखिए जब तक इंसान को अपनी खूबियों और खामियों का पता नहीं चलता उस वक्त तक वो बहुत सारी प्रॉब्लम में रहता है, और अगर उसके साथ अगर उसको अपनी खामियों का पता चल जाए तो वो खामियों पे काबू पा सकता है, और आपकी जो खूबियों का पता चल जाए तो खूबियों को बढ़ा सकता है। आप खामियों पे काबू कैसे पा सकते हैं और खूबियों को कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपने अपने बच्चे का जो नाम है वो बेहतरीन तजवीज़ करना। हदीस शरीफ है कि अपने बच्चे का नाम जो है बामायनी और बामकसद रखो, बामायनी और बामकसद नाम रखो, क्योंकि ये नाम बच्चे पर असरअंदाज होता है। ये वालदैन के लिए बेहतरीन सदका जारी है कि अपने बच्चे का बामायनी बामकसद नाम रखें, बेहतरीन नाम रखें, हदीस शरीफ है। आपने देखा होगा बचपन में जो बच्चे बहुत रोते हैं, तंग करते हैं, बीमार रहते हैं, तो बुजुर्ग करते हैं उनका नाम चेंज कर दो, डेट ऑफ बर्थ को नहीं चेंज करता। डेट ऑफ बर्थ का कहीं कॉन्सेप्ट है ही नहीं भाई, ये डेट ऑफ बर्थ से जो हम हर चीज़ निकालते फिरते हैं, डेट ऑफ बर्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन डेट ऑफ बर्थ मुख्तलिफ है, इस्लामिक और है, इंग्लिश और है, रोमन और है, ईरानी और है, हिंदुओं की और है, चाइनीज़ और है, हर एक ने कैलेंडर अपने हिसाब से बना रखे हैं और हर एक अपने कैलेंडर के हिसाब से चलता है, और अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ रखना चाहें तो हमें फिर इस्लामिक डेट ऑफ बर्थ चाहिए। इस्लामिक डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम यह है कि ये इंग्लिश महीनों से 10 दिन कम है, और इंग्लिश महीनों से 10 दिन कम होने की वजह से हर साल 10 दिन पीछे कम हो जाती है, और हर साल 10 दिन कम हो जाने की वजह से हर 3 साल के बाद उसका बुर्ज भी चेंज हो जाता है और उसका सितारा भी चेंज हो जाता है। मैं अब अली बुखारी साहब मैं गुफ्तगू को जारी रखूंगा, पहले मैं सैयद अली कासिम साहब जो हैं इनका थोड़ा सा हिसाब किताब करूं और फिर मैं देखूं कि ये किस में आते हैं। अली कासिम साहब आप कह रहे हैं कि पढ़ाई में आपका दिल नहीं लगता और आप पढ़ना चाहते हैं, और मैं दूसरी चीज़ बता दूं कि भाई इसके ऊपर जो हमारी पोस्ट आ रही है इसके ऊपर नंबर एक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप अपना मैसेज भेज दीजिए, हम एज़ सून एज़ पॉसिबल हम आपके साथ रابطہ करके हम आपको आपके बारे में खूबियों और खामियों से आगाह कर देंगे, ताकि अगर आपको आपकी खूबियाँ पता चल जाए उनको बढ़ा सकें और खामियों को ख़त्म करके इस माशरे के अंदर अपना एक आला मुकाम बना सकें। और ये जो जेम्स हैं ये आपकी शख्सियत को तब्दील करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हम चैलेंज के साथ बात करते हैं, और क्योंकि ये हमें मौला ने अता किया है, हम अपने जहन से अपनी अकल से कुछ नहीं कहते, हम आपको बहुत सारी खराफात बहुत सारे चोरों से बचाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आपके बारे में बताएं। जैसे कि अली कासिम आप ये कहते हैं कि आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, अली कासिम आपका अदद 5 आ रहा है, और अगर आपका नाम कभी चेंज नहीं हुआ तो आपकी क्वालिटीज़ ये हैं कि आप सुनते सबकी हो, मर्जी अपनी करते हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, और इसीलिए जब आप सोच कर कोई काम करना चाहते हो और वो पूरा नहीं कर पाते तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, और डिप्रेशन की वजह से और बहुत से कामों को ख़राब कर बैठते हो, हालांकि आपकी खूबियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप बच्चों में बच्चे, बड़ों में बड़े, बुज़ुर्गों में बुज़ुर्ग हैं, आपकी बातें इंतहाई निपितुली होती हैं। मेरा जान आप वेरी इजीली अपने आप को कॉन्सेंट कर सकते हो, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अकीक और फ्रोज़ा पहनो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जहन कॉन्सटेंट होना शुरू हो जाएगा,
और फिर अपने जहन के अंदर सिर्फ एक मोटो रख लो कि मैंने सिर्फ पढ़ना है, बाकी किसी किस्म के किसी ना खानदानी मसले में ना बाहर के मसले में कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी मसले में आप पढ़ो और ये करो। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे दो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो, फिरोज़ा और सुर्ख की आप काउंट करो। आप बहुत अच्छा जो है वो आपका जो हो जाएगा, लेकिन आपने रिंग फिंगर इस उंगली के अंदर जो है वो फिरोज़ा पहनना है, और इस उंगली के अंदर आप अकीक पहन लें, या इसमें अकीक पहन लें और इसमें फिरोज़ा पहन लें, किसी एक में भी ये बेहतरीन है आपके लिए। अगर आप इसके साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जो हैं वो बेनिफिट्स हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। जाहिद अली भाई, आपका नाम जाहिद अली है या ये फेसबुक नेम है, कोई और नेम है तो आप बता दीजिए, नीचे अपना ओरिजिनल में लिखिए और व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके तमाम खूबियों और खामियों से मुतला करेंगे। नंबर ऊपर दिया, और जो नंबर है वो ऊपर दिया गया है। मुझे माँ के नाम की ज़रूरत नहीं है, मुझे मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ना डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, मुझे आपका ओरिजिनल नेम चाहिए, सिर्फ जो बचपन से आपके डॉक्यूमेंट में लिखा गया। अली बुखारी साहब, आपको मैंने जो कुछ बताया आपने लिखा राइट हैंड में, आप जज कर सकते हैं मुझे कि क्या मैं आपके बारे में एनालिसिस सही करूं या गलत करूं। आई एम एज अ डॉक्टर, जेम हीलिंग डॉक्टर, मैं आपको एडवाइस करता हूं कि दुनिया का हर इंसान हर पत्थर पहन सकता है, बुर्जों सितारों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस वक़्त आप पहने जब आपको इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। और अगर आप हमसे स्टोन्स देंगे तो हम आपको लाइफ टाइम गारंटी के साथ विद रिंग देंगे, या अगर आपका बहुत अच्छा ज्वेलर, क्योंकि बाज़ूकात हमने किसी को स्टोन्स भेजे और तो वहाँ से ये प्रॉब्लम हुई कि वो जब रिंग में फिक्स करते हैं तो वो स्टोन चेंज कर देते हैं, ठीक है। जाहिद अली भाई, आपके बारे में बताता हूँ अभी, और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अपने मोमिनीन तक, खुसूसन मैं मोमिनीन को खूबियाँ और खामियाँ तमाम बताऊँ, और आप इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि अगर हमें अपनी खामियां पता चल जाएं और हम उन पर काबू पा लें तो इंशाल्लाह ताला हम अपने लिए एक बेहतरीन मुकाम इस दुनिया में बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और जाहिद अली भाई, मैं अब आपके बारे में और तमाम स्टोन्स आप लेना चाहें आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो ज़रूर ब ज़रूर एडमिटेड कीजिएगा, ज़रूर ब ज़रूर एडमिटेड कीजिएगा और बताइएगा। और आप अगर हो सके तो इस वीडियो को जहाँ तक फैला सकें, जहाँ तक शेयर कर सकें आप कीजिएगा। हमारी कोई बात गलत लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम अपनी इसलाह ज़रूर करेंगे। रानी बल्तिस्तानी ने पूछा है, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अब्बास है। और ये जो बल्तिस्तान से मोहम्मद अब्बास के बारे में है, उनके बारे में बताता हूँ। पहले जाहिद अली साहब, जाहिद अली साहब माशाल्लाह आपकी एज मुझे नहीं मालूम कि कितनी है इस वक्त, अगर आप अपनी एज मेंशन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं, एज मेंशन करते हैं कि कितनी है और अब क्या कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब दे सकूँगा। लेकिन बहरहाल जाहिद अली साहब आप थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप अपनी मर्ज़ी करते हैं, आप जिसके बारे में सोच लेते हैं वो करके बताते हैं, चाहे 10 साल लगें, चाहे 15, चाहे 20 साल, आप जिस भी काम को पकड़ लेते हैं आपकी मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जाहिद भाई आप याद रखिएगा, आपका दुश्मन कोई नहीं है, आप अपने खुद दुश्मन हैं। आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, आप जिस चीज़ को कोशिश कीजिए तवक्कल पर ज़्यादा रहें, आप अपने जहन से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, और इस यही शायद आपकी वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो जो है इसकी मेन वजह आप ही हों। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी उनसे बचने के लिए अली बुखारी भाई आपकी मामा या आप नाम भेज दीजिए ज़रूर ब ज़रूर, लेकिन रिपीट होता रहेगा, आप नंबर पर SMS कर दीजिए। हम जब भी फारिग होते हैं, सबके जवाब ना दे सकें तो उस पर जवाब ज़रूर देते हैं। जाहिद अली भाई, आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो अकीक, फिरोज़ा और ज़मुर्द है।
सुर्खी माय लकीक अगर आप लें और फिरोजा और जमुर्द लें तो इज़ दी बेस्ट वन फॉर यू, बेस्ट वन फॉर यू। मोहम्मद नईम साहब का बताइए, और ये मोहम्मद अब्बास हैं और एक मोहम्मद नईम साहब हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद अब्बास जो बल्तिस्तानी, रानी बल्तिस्तानी साहब में भेजा था, मोहम्मद अब्बास के बारे में बताना चाहूँगा कि मोहम्मद अब्बास लेडीज़ के नाम इन्हें बोले ना सेंड करें, और कोशिश करें कि यहाँ पर लेडीज़ के नाम जो है ना वो कोशिश कीजिए कि ना सेंड करें। अगर आप चाहें भी तो मैं ज़रूर थोड़ा बहुत बता ज़रूर दूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जानने होते हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारा जो है ना औरतों और बहनों का जो है वो बरसे आम हर चीज़ ना बताई जाए, कुछ भी ना किया जाए। मैं सईदा आसमा जो हैं, अली बुखारी साहब आप बाद में फ़ोन पर रब्ता कर लीजिएगा, मैं इनके सिर्फ स्टोन बता दूँगा और जो है बाकी जो चीज़ें हैं अगर आप पूछना चाहें कोई बीमारी है कोई और चीज़ें तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा किरण जैदी साहिबा, आप कोशिश कीजिएगा कि अगर देखें किरण जाहरा है, किरण रुबाब है, किरण फातिमा है या कुछ है या सिर्फ किरण जैदी है, तो नाम जो है वो पूरा लिखिएगा यहाँ पर। अगर आप नाम पूरा लिखेंगे तो मैं ज़रूर ज़रूर आपके बारे में, ऊपर जो आपको आप पोस्ट के ऊपर देखें तो एक नंबर आ रहा है, उस नंबर को ज़रूर ज़रूर एसएमएस कर दीजिए ताकि आपकी कोई चीज़ रह जाए तो आप उस पर वो पता कर सकें। आपको हम खुद एसएमएस करेंगे, खुद बात करेंगे, खुद आपसे आपकी तमाम की तमाम खूबियों और खामियों, क्योंकि यहाँ पर जो भी हैं या मेरी बेटी है या मेरी बहन है या मेरी माँ है, मेरे लिए काबिले इज़्ज़त है, काबिले मुकाम है। और आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह ताला हम बहुत सारे आपके मसाइल का हल लेकर आएंगे। और इस वक्त में जो मोहम्मद अब्बास हैं, अब मोहम्मद अब्बास की जो एज है मुझे नहीं बताई इन्होंने कि एज क्या है और उसको क्या करना चाहिए, लेकिन बेटा आपका ये जज्बाती होगा, गुस्सा जल्दी आ जाएगा इसको, ठीक है। और आप ज़रूर ज़रूर जो है मैं क्या है, आपने बताया था आसमा अली बुखारी साहब, आप क्योंकि नाम ऊपर जा चुका, आप इनका नाम जो है दोबारा बताइएगा आसिमा, तो मैं उसको वो कर देता हूँ। उतनी देर में मोहम्मद नईम का करता हूँ, आप अली बुखारी साहब आसमा वालदा का नाम दोबारा भेजिएगा वालदा। और मोहम्मद अब्बास को आप जो हैं वो याकूत पहने, बहुत बेहतरीन है इनके ये याकूत। और जो है अरसलान अरसलान मोहम्मद नईम का बता दें बार बार, मोहम्मद नईम इनको याकूत पहनाएं, जर्द अकीक पहनाएं, नीलम पहना दें, या इनके लिए बहुत बेस्ट है फिरोज़ा नीलम और ये 63 ईयर ओल्ड है। अच्छा मोहम्मद नईम साहब और उसके बाद आसमा बतूल साहिबा और फिर अरसलान असलम। मोहम्मद नईम साहब का जो है वो इस वक्त है 마샬라 आपने मेरे ख्याल है कि सारी उम्र रिस्क पे ही गुजारी, बहुत ज़्यादा आपकी जो आप रिस्क बहुत ज़्यादा लेते, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा, एतबार बहुत जल्दी बंदों पर करती है। आप यहीं पर जो जो मैं लोगों के बारे में बता रहा हूँ अगर वो चीज़ें दुरुस्त निकलें तो आप ज़रूर यहीं पर कमेंट्स कीजिए, ज़रूर बताइए। मैं आपसे नहीं मिला, आज मेरा फर्स्ट आप लोगों के साथ टॉकिंग है, मैं ये चाहूँगा आपको खूबियाँ और खामियाँ कुछ बताऊँ और बाई डिटेल आप मुझसे फ़ोन पर अपनी हर चीज़ पूछ सकते हैं। और क्योंकि डिटेल में मैं यहाँ बता नहीं पाऊँगा, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ नहीं लिख रहे लेकिन व्हाट्सएप पर वो मौजूद हैं, तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं, मैं इल्मे जफ से सिर्फ आपको जवाब दूंगा और उसी इल्मे जफ की रोशनी में आपके लिए स्टोन एडवाइस करूँगा। मैं नजूम के बारे में नजूम से आपके स्टोन एडवाइस नहीं करूँगा, ना मुझे कोई हिसाब किताब है, ना कुछ है, ना कोई माँ का नाम चाहिए, ना आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपका ओरिजिनल नेम चाहिए। और मोहम्मद नईम साहब आपने आप इंतहाई जल्दबाजी करते, लोगों पे एतबार बहुत जल्दी करते हैं, आप यूँ समझ लीजिए कि लोग मैक्सिमम जो हैं अपना मसला आप ही से हल करवाते हैं, क्योंकि आप शार्प माइंड बहुत शार्प माइंड हैं,
अकलमंद नहीं है ये, क्योंकि आप इंतहाई शॉर्ट टर्म फैसले करते हैं, लॉन्ग टर्म के फैसले नहीं करते। जर्दे रंग का अकीक आपके लिए इंतहाई बेहतरीन है, बेहतरीन है जर्दे रंग का अकीक। और इसके साथ आप नीलम सेलोन को और निशापुर फरोजा, ये तीन चीज़ें अगर आप यूटिलाइज़ करें तो आपको ये जो बार बार नज़र लगती है ये ख़त्म हो जाएगी, ये नज़र लगना जो है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। और आसमा बतूल हैं, आसमा बतूल का जो है, बतूल का जो इसमें आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा के, अच्छा जो आसमा बतूल हैं यार, ये यार बहुत ज़बरदस्त खातून हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खातून हैं। अदद इनका 5 आ रहा है, दिल की बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। इनका काम यही होता है कि ये बेसिकली हर एक के लिए हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, लेकिन ज़रूर से ज़्यादा मेहनत करती हैं, ज़रूर से ज़्यादा बर्दाश्त करती हैं, ज़रूर से ज़्यादा काम करती हैं। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि इनका बहुत ख्याल रखना, ये वीक हो जाएंगे और वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, इनके लिए खुराक अच्छी, ये आपको फैलाएँ पिलाएंगी ज़्यादा, खुद शायद कम खाएं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा। नईम साहब शुक्रिया, वेरी ग्रेट। और नईम भाई बहुत शुक्रिया कि आपने एडमिट किया, वेरी ग्रेट। और आपकी जो चीज़ है वो मैं मेरे लिए खुशी का बायस कि मैं लाइव आकर आपसे बातें कर रहा हूँ, लाइव आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे और ये चाहें कि मोमिनीन की जो हैं प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएं और मोमिनीन के बहुत सारी चीज़ें जो हल हो जाएं, तो ज़रूर ज़रूर आप कांटेक्ट करें। और ज़रूर ज़रूर नेक्स्ट टाइम अगर हम यहाँ पर अपनी वीडियो दोबारा लॉन्च कर सकें तो हम आपके बारे में ज़रूर ज़रूर बहुत कुछ बताएंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो रानी बल्तिस्तानी ने, ठीक है, वो कह रही हैं कि स्टोन का रंग बदल देना क्या माना रखता है, मैं करबला से स्टोन लाई थी, इसका रंग बदल गया। आसमा, ये जो रानी बल्तिस्तानी है, इन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है कि मेरे स्टोन का रंग तब्दील हो गया, मैं ईरान से लाई थी तो रंग तब्दील हो गया अकीक का। बेसिकली इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है रानी बल्तिस्तानी साहिबा, कि जिन पत्थरों पर रंग करके बेचा जाता है वो वक्त के साथ अपना रंग फेड कर देते हैं, और मैक्सिमम जो होते हैं ये नकली होते हैं, ठीक है, और इनकी ये प्रॉब्लम होती है। तो आप इनके किनारे पर धार वगैरह चेक करके, क्योंकि आपको ईरान इराक शाम के अंदर बेशुमार लोग मिलेंगे जिनमें अली रज़ा है, मुमताज़ है, मुर्तज़ा है, ये सारे के सारे काफ़िले वालों ने बग किए हुए हैं, यानी कि आपका काफ़िला सलार जो है वो कहता है कि आपके पास एक बंदा आएगा और वो आपको ये स्टोन देगा, तो वो ये स्टोन आपको काफ़िला सलार उन्हीं से लेकर देता है, और ये 20-20 25-25 लाख की ख़रीदारी करते हैं लोग इनसे, एक एक काफ़िले वाले, और शाम को दोनों बैठ के आधा आधा कर लेते हैं। याद रखिए नकली स्टोन नकली हैं, जो मैं आपको जो निशानियां बता रहा हूँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप चेक एंड बैलेंस रखिएगा, बहुत ज़्यादा जो हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए हम अक्सर लोग जब वहाँ से नगीने ले आते हैं और लाने के बाद हम ये कहते हैं कि यार हमने तो पहना, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेसिकली अगर आप नकली लेंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाज़ लोग चलें जी हम तो मस करके ले आए हैं वहाँ से, और मस करने के लिए मैं उसके ऊपर एक ही चीज़ कहूँगा कि मैंने वहाँ पर लोगों को अपना पूरा जिस्म रगड़ते हुए देखा, पूरा जिस्म, और कई कई काफ़ी काफ़ी देर जाली के साथ लग के रगड़ते हुए देखा, लेकिन उनकी आदतें बदलती नहीं देखी। उसकी जो मेन वजह है कि आदतें ना बदलने की जो मेन वजह है वो ये है कि हम अपना जिस्म और अपने कपड़े तो जाली के साथ बहुत रगड़ते हैं, लेकिन अपनी रूह को बड़ी सफाई से बचाकर वापस ले आते हैं। बंदे खुदा, वहाँ जिस्म के रगड़ने से नहीं, अपनी रूहों को गिरवी रखने से चीज़ें चेंज होती हैं। अपनी रूहों को वहाँ गिरवी रखिए मौला के पास, फिर चेंज होंगी। और अगर सिर्फ एक जाली के मस कर देने से कोई नकली चीज़ आपको बेनिफिट देने लगे, मौजा हो सकता, मैं ये नहीं कहता मौजा हो सकता, वो एक अलहदा करामत हो सकती, वो अलहदा चीज़ है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ कि जो जो रोज़ाना जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास बैठते थे, हम नवाला हम प्याला थे और रिश्ते तक दिए, रोज़ाना गले भी मिलते, तो वो लोग फिर मुनाफिक ना रहते।
सिर्फ मस कर देने से किसी चीज़ की तासीर तब्दील नहीं होगा। मौला ने असल चीज़ों के बारे में फरमाया, जन्नत के अंदर नकली पत्थर नहीं होंगे, यही असल पत्थर होंगे और इन्हीं के बेनिफिट्स होंगे। अगर आप ये बेनिफिट्स मांगना चाहते हैं तो आप यहीं पर लीजिए, ओरिजिनल चीज़ पे नहीं। इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। और इसके बाद एहसान अली साहब हैं, एहसान अली साहब जो हैं इनका मैं निकाल लूँ एक मिनट के। एहसान अली साहब बहुत ज़बरदस्त नेचर के मालिक हैं, आप इंतहाई, आप यूँ समझ लीजिए कि इंतहाई चुलबुले हैं, हर महफिल की जान होते हैं, हर महफिल में हल्ला गुल्ला और हर चीज़ के अंदर सरपरस्ती जो है वो आपकी होती है। और हर एक बंदा आपको लाइक करता है, बच्चों में बच्चे, बड़ों में बड़े, बुज़ुर्गों में बुज़ुर्ग, हर महफिल में घुल मिल जाने वाले, अच्छों में भी बिल्कुल बैठ के अच्छे बन जाने, बुरों में भी बैठ जाने वाले, हर महफिल को बना लेते हैं आप अपने साथ। मैं आपके लिए ये कहूँगा कि आपका जो बेहतरीन स्टोन है वो जर्दे रंग का अकी, मैं आपको यहाँ पर ये देखिएगा कि ये जो है ये जर्दे रंग का अकी है, ठीक है। और इसी के बिलमुकाबिल ये अगर आप देखें तो ये येलो रंग का अकी है, ठीक है। जर्दे रंग की खसूसियात और येलो रंग की खसूसियात और हैं, और ये जो ग्रीन कलर का अकीक है इसकी खसूसियात और हैं। और जो हर कलर के साथ, क्योंकि इफ़ेक्ट जो होते हैं वो कलर के भी होते हैं और हार्डनेस के भी होते हैं और जो उसकी कंपोजिशन है उसके भी होते हैं, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अपने बेहतरीन जो जानते हैं पत्थरों के बारे में उनसे आप कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो आप गेन करेंगे। कोशिश कीजिए ओरिजिनल लीजिए, यहाँ पर हर कोई आदमी कसम खा के बोल रहा और ये हुआ सारा कुछ है। हम इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि मैक्सिमम लोग तो जानते ही नहीं। मैं आपको एक और चीज़ ज़रूर कहूँगा कि दुआ ज़हरा ये जो ग्रुप है, बहुत अरसे से मैं इसको वाचिंग कर रहा हूँ, बहुत अरसे से देख रहा हूँ, बहुत बाकमाल ग्रुप, बहुत ज़्यादा बाकमाल ग्रुप है। मैं आपसे ये कहूँगा कि दुआ ज़हरा को जितने लाइक्स दे सकते हैं आप लाइक दें, जितना आप शेयर कर सकते हैं दुआ ज़हरा को आप शेयर कीजिए और दीगर मोमिनीन तक पहुँचाएँ इस ग्रुप पर। जशन हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इस ग्रुप के ऊपर आयमा मासूमीन की जितनी विलादतें हैं और उनके जितने जश्न हैं उनको भी हम लेकर आएँ इनके ऊपर, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है उस आज़ादारी की भी लाइव कवरेज जो है हम इस ग्रुप के ऊपर दें। और हमारी यही कोशिश होगी, मेरे ख्याल इस वक्त सबसे बड़ा दुनिया के अंदर जो काम हो रहा है वो यही है कि हम जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और ये प्रॉब्लम जो है हमारी वो सॉल्व नहीं हो रही। मैंने इसके ऊपर टीवी पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, मैंने जादू पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, इस वक्त पूरी दुनिया के जादूगरों को चैलेंज दिए बैठा हूँ कि लाइव आएँ, लाइव टीवी पर मेरे साथ प्रोग्राम करें। अगर वो मुझे तमाम जादूगर मिल जाएँ, चाहे वो अफ्रीका के वुडो से ताल्लुक़ रखते हों, इंडिया के अघोर नाथ से ताल्लुक़ रखते हों, या आप जो हैं वो बंगाल के काले जादू से ताल्लुक़ रखते हो या पाकिस्तान के ढाई अक्षर से ताल्लुक़ रखते हो, ये सब इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर मैं सईद कुरम अब्बास नकवी के साथ जो है इकट्ठे हो जाएं और वहाँ पर वो आ जाएं, लाइव टीवी पर मुकाबला करें, मेरा सिर्फ एक बाल जादू के ज़ोर से उखाड़ दूँ, जो कहेंगे वो मानूँगा, वो तस्लीम करूँगा, चैलेंज के साथ बात करूँ, तमाम जादूगरों के साथ चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ, लाइव टीवी पर मेरे साथ मुकाबला करें। डॉक्टर समाना मज़र एक सवाल कोई कर रहे हैं हमसे, और जी आप डॉक्टर साहबा कि आप कोई सवाल करना चाह रही हैं तो बिल्कुल ज़रूर ज़रूर सवाल कीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा, तालिब इल्म हूँ और ज़रूर कोशिश करूँगा कि जवाब देने की, जो मेरे पास हुआ उसका मैं ज़रूर ज़रूर आपको जवाब दूँगा। हमारी बातें कोई ज़रूर या उसकी मबिन नहीं है, हम मौला के साथ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जितनी बातें, मैं चूँकि 20 साल से इस फील्ड पर हूं, 20 साल से इस फील्ड पर हूं और मैं ये जो तमाम बातें करता हूं ये नौज़ बिल्ला इसमें कहीं गरूर का शैबा नहीं, ना मैं गरूर करता हूं, गरूर करने वाले पर लानत है बेशुमार। मैं ये जितनी बातें करता हूं खुदा की कसम अपने आयमा मासूमीन के सर पर करता हूं। वो एक मुहावरा है ना कि भैंस जो है वो जो उसका हुक होता है उसके ज़ोर के ऊपर उछलती है,
तो मेरी हुक वो है वातसमू फैबल्ला है जमीन वाला तफरक, वो रस्सी मेरी हुक, उस रस्सी को पकड़ेंगे। और मैं चैलेंज के साथ इसलिए बात करता हूँ, मुझे यकीन है कि मेरे आइमा मासूमिन कभी भी मुझे तनहा नहीं छोड़ते। आप ज़रूर वॉच कीजिएगा वज़ारा के साथ। आप असल में हम शैतान पर बड़ा यकीन रखते हैं, हम जादू टोटे पे बड़ा यकीन रखते हैं, हम वहम वसवसे पे बड़ा यकीन रखते हैं, हम डर जाते हैं। और हमारे बहुत सारे लोगों ने, नाम नहाद उल्मा ने हमें अल्लाह से डराया है, डर पैदा किया है हमारे अंदर, जबकि वो कहता है मैं तेरी माँ से 70 गुना ज़्यादा, तेरी माँ से 70 गुना ज़्यादा तुझसे प्यार करती हूँ। अपने रब से कभी मांग कर तो देख, मांगने का जरिया तो ढूंढे आप, जितना परेशान हो उतना गिड़गिड़ा कर कभी देखे तो सही उससे, वो ना दे फिर बात कीजिए। डॉक्टर साहब आप अपना पूरा नाम लिख दीजिएगा, क्या नाम है इनका डॉक्टर साहब का जो पूछ रही है, डॉक्टर समाना, डॉक्टर समाना मजर हैं, ये कह रही हैं अगर कोई सैयद गरीब मोमिन गर्लफ्रेंड लिखना चाह रही हैं, गरीब मोमिन ज्यारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बोलता है तो उसे ज्यारत करवाने के बजाय लोग भेजते क्यों हैं, बोले अपनी वर्डिंग क्लियर करके। समाना साहब आपकी वर्डिंग जो है वो क्लियर नहीं है, आप वर्डिंग क्लियर कीजिए कि क्या कहना चाह रही हैं आप, समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपके जो है कि कोई गरीब सैयद जो है वो ज़ियारत पर जाना चाहता है तो और मुबारक। वैसे जो है मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा, पेशगी मुबारक है मेरी तरफ़ से मौला अली रज़ा बादशाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उनकी विलादत की, उनके ज़हूर की, और जिन भी भाई साहब ने हमें उनकी मुबारक भेजी है मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मौला अली तमाम खुशियाँ हमारी उनके साथ मुंसलिक हैं। यकीन कीजिए कि मैं आपसे ये कहता हूँ, मेरी एक बात याद रखिएगा समाना, एक तो आप अपना सवाल क्लियर करके काइंडली भेज दीजिएगा, और इन स्टोन्स को एज आ मेडिसन पहनिए, एज आ मेडिसन पहनिए और कोई चीज़ नहीं। एक और सवाल है कि क्या हमारे घर पर जादू है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, ये सवाल है कि क्या हमारे घर पर जादू है। मैं आपसे कुछ चीज़ें कह रहा हूँ कि क्या आप महसूस करते हैं कि आप पर या आपके घर पर जादू है या उसके असरात हैं, क्या आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, क्या आपको बच्चे और बच्चियों के रिश्तों के हसूल में मुश्किलात का सामना, क्या आप औलाद की नेमत से अभी तक महरूम हैं, क्या आप बेरोज़गारी या माली तंगी से परेशान हैं, क्या आपको मालूम है कि आप में अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं, और अच्छाइयों को बढ़ा कैसे सकते हैं, बुराइयों को घटा कैसे सकते हैं, क्या आपको मालूम है कि किन किन खामियों की वजह से आप अभी तक नाकाम हैं, और आप में वो कौन सी खूबियाँ हैं जो आप उभारें तो इन खामियों को ख़त्म करके कामयाबी के दायरे में आ सकते। बंदा है खुदा, औलाद का ना होना जादू नहीं है, रोज़ी का ना मिलना जादू नहीं है, औलाद बच्चों का ना पढ़ना जादू नहीं है, मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा होना जादू नहीं है, शादी का ना होना जादू नहीं है। ये बंदिशें कहाँ से आई, ये बंदिशें हमें डाली गई हैं, औलाद की बंदिश, रिश्ते की बंदिश, रिस्क की बंदिश। चले कुरान की चंद आयतें लेते और हम रिस्क के लिए किसी को देकर आजमाते, किसी को लेकर आजमाते, किसी से लेकर आजमाते, और हम राज़िक हैं, हम बेहतरीन राज़िक हैं। तो असल में बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो आपके रिस्क को कम कर देते हैं, असल में बहुत सारी निकियाँ ऐसी हैं जो आपके रिस्क को बढ़ा देती हैं। रिस्क का ज़िम्मा है ही उस मालिक के ज़िम्मे, आपके ज़िम्मे तगदो है, कोशिश है, मेहनत है, सिला उस पर छोड़ दीजिए। और जो मेन चीज़ है वो यही है कि जैसे कि औलाद का ना होना, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला जलेशान फरमाता है हम किसी को बेटे देते हैं, किसी को बेटियां देते हैं, किसी को दोनों देते हैं और किसी को कुछ भी नहीं, और फिर उसको आज़माते हैं।
और ये रिस्क और ये तमाम मामला, औलाद के मामला, ये सब कुछ तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखे हैं। कौन शख्स है कायनात का ऐसा जो रिस्क की बंदिश कर सके या रिस्क को कम कर सके या रिस्क को बढ़ा सके उनके अलावा? कोई अल्लाह से बढ़ा नहीं भाई। इल्तजा किया कीजिए ऐ मासूम, सब कुछ हो जाता। जादू, इसके बारे में चूंकि बहुत वसी टॉपिक है, मैं पूरी बुक लिख चुका हूँ कि असल में जादू की हकीकत क्या है। ये जो टीवी पर जादू बताया जाता है बंदे खुदा, ये जादू नहीं है, ये सब टोपी ड्रामे हैं। ये तमाम के तमाम प्लांटेड प्रोग्राम होते हैं जिनको किया जाता है अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। जादू आपके अंदर का डर है, आपके अंदर का खौफ है, उसको दूर कीजिए। कैसा रहेगा डॉक्टर साहबा? एक तो आप मुझे समाना मज़हर आप बता रही हैं, तो ये आपके हस्बैंड का नाम है या आपके वालिद का नाम है? मुझे आपका वो नाम चाहिए जो बचपन में आपका नाम रखा गया था। अगर आप मुझे वो नाम बताएंगी तो मैं आपके बारे में बेहतरीन तरीके से बता सकती हूँ। ठीक है, और कौन कह रही हैं? बिल्कुल जनाब, आप फिरोज़ा पहन सकती हैं, लेकिन अकेला फिरोज़ा ना पहनेंगे। ओरिजिनल फिरोज़ा जो है वो जो फिरोज़ा है, ये लबैक या हुसैन से बहुत अच्छा सवाल है कि बंदिश है क्या। मैं बेशक इसका जवाब दूंगा कि आप फिरोज़ा ज़रूर पहनिए, लेकिन अगर आप अकेला फिरोज़ा पहनेंगे तो ये आपको एग्रेसिव करेगा, आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगा, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे। फिरोज़े के साथ हमेशा आप जर्दे रंग का अकीक पहनिए या सुर्ख अकीक पहनिए या ग्रीन अकीक पहनिए, लेकिन आप ग्रीन रहने दीजिए वो, क्योंकि आपको ठंडा कर देगा। आपके अंदर गुस्सा है, जज्बाती हैं, तो ठंडी हुई तो आप वो नेचरली नहीं रहेंगे। ठीक है, बंदिश लबैग या हुसैन से है कि बंदिश है क्या? अच्छा, समाना मज़हर हैं, ठीक है, और मैं आपको अभी बताता हूँ बंदिश क्या है। याद रखिएगा, बंदिश कोई चीज़ नहीं है, ये बंदिशें हमने खुद पर खुद लगा रखी हैं। बच्ची के रिश्ते बहुत आएंगे, लेकिन आप अपनी सोचों के अंदर और अच्छे की चक्कर के अंदर आप उनको ज़ाया करेंगे। ठीक है, हम जॉब अपनी मर्जी की जाते हैं, हालांकि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ज़्यादा पढ़े और कम दर्जे की जॉब मिले तो वो ज़रूर लीजिए, और उस पर बैठकर साबित कीजिए कि मैं इतने का नहीं, इतने का आदमी था, आप तरक्की करेंगे। मेरे भाई ने MBA होते हुए उसने जॉब स्टार्ट की PT सेल के अंदर, और 3,000 पर डेली वेजेस के अंदर, और इस वक्त माशाल्लाह वो चीज़ बहुत शुक्र है। ठीक है, और समाना मज़हर में आपके बारे में, और मैं बताता हूँ समाना मज़हर, समाना आप से समाना गालिबन लिखी, मैं से मीम अलिफ नून है और मज़हर के हैं। अच्छा, समाना मज़हर आप बिल्कुल नीलम पहन सकती हैं, सैलून का नीलम पहनिए, सैलून का नीलम आपके लिए बहुत अच्छा, अकीक और फ्रोज़ा बहुत अच्छा आपके लिए, बहुत ज़्यादा। आप जर्दे रंग का अकीक जरूर पहनेगा, और सीन से समाना है तो एक मिनट रुकिएगा आप, अच्छा समाना खातून जो होता हूँ, ठीक है, उस हिसाब से समाना है तो जी बिल्कुल,
समाना आप माशाल्लाह आपका तो बहुत ज़बरदस्त अदाद आ रहे हैं, 5 अदाद आ रहे हैं आपका, बहुत ही ज़बरदस्त। आप भाइयों से एक बार फिर इल्तजा करूँगा कि ये जो है दुआए जहरा ग्रुप, इसको हर जगह के ऊपर आप बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, दूसरे ग्रुपों में शेयर कीजिए, और हम भी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करेंगे जो आज़ादारी के मुतालिक होंगी, हकीकतों के मुतालिक होंगी, आपके मुतालिक होंगी। और इसके ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके वो दिया गया है, और ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आपके ऊपर पोस्ट पर भी, और ये बार बार ये 03030221012, इसको ऊपर आप अपना SMS भेज दीजिए ताकि हम फारिग वक्त में जब जो जवाब हम ना दे सकें आप वहाँ पर हमसे ले सकते हैं, और हम इंशाल्लाह ताला अगर आप हमसे जेमस्टोन्स लेंगे तो हम लाइफ टाइम गारंटी के साथ सर्टिफाइड जेमस्टोन्स आपको देंगे। और मिशन फातिमा, बख्त रज़ा लगारी साहब, बख्त रज़ा है या सिर्फ बख्त है आपका नाम? नाम अपना पूरा नीचे लिखिए, ऊपर जो ID है वो वाला नहीं मैं नहीं लूँगा, जो नीचे आप लिखेंगे और वो लूँगा। और समाना मज़र आप बिल्कुल नीलम पहन सकती हैं, बहुत अच्छा जर्द रंग के साथ हकीक ज़रूर पहनिएगा, और फिरोज़ा निशापुर पहनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। जज्बाती हैं, इमोशनल हैं, आपको गुस्सा जल्दी आता है, जल्दी उतर जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बात दिल में नहीं रखती, फ्लुएंट हैं, बात मुंह पे कर देती हैं, क्रिएटिव हैं, और बातों में आपसे बहुत कम है कि कोई जीत पाए, इंतहाई आप उसके साथ लॉजिक्स के साथ बात करती हैं, बहुत सारी महफिलों की जान होती हैं आप, और बहुत ज़्यादा लोग आपको लाइक करते हैं, और मैं आपसे यही, और मैं चूँकि लास्ट मिनट है मेरे पास, 1 घंटे का मैं प्रोग्राम करता हूँ, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रोग्राम को जितना शेयर कर सकें हमारी नैम जैन हीलिंग को, और ये जो दुआ ज़हरा ग्रुप है इसको जितना शेयर कर सकते हैं, जितना लाइक कर सकते हैं वो ज़रूर ज़रूर कीजिए। फिज़ा रिजवी काइंडली आप ऊपर नंबर आ रहा है, नंबर के ऊपर SMS कर दीजिए। आप सफीना बहन आप भी ऊपर जो है वो कर लीजिए, मिशन फातिमा आपका भी। मैं अब आपसे, क्योंकि घंटा हो चुका है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ कीजिए कि मैं इसी तरह आपके अंदर आता रहूँ और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूँ, और मौला मुझे इसी तरह इल्म अता किए रखें। डॉक्टर समाना आप ख़ुद भी, आपको जब बारे में बताया है आप यहाँ पर लिख सकती हैं, आपको पता है कि मैंने आपके बारे में क्या बताया, मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, आप बहन हैं, और बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा, अगर आप समाना ज़रूर व ज़रूर आप रब्ता कीजिए, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैं आपको बहुत सारी गाइडेंस दे सकूँ। आपका समाना बहुत शुक्रिया, और तमाम बहनों भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो भी लोग मेरी इस वीडियो कॉल को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मैं उनसे ये इल्तिजा करूँगा कि वो ज़रूर ज़रूर जो है वो आगे फैलाएं, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है। और मेरा ये अकीदा है कि जब से मैं अरबाइन पर गया हूँ मैं हर साल अरबाइन वहीं करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है अभी भी हमारा ग्रुप तैयार हो चुका है, हम अरबाइन ज्यारतों पर ही जाते हैं और वहीं करते हैं, और मौला से दुआ है कि मौला मुझे हक वाले रास्ते पर रखे, मार्फत वाले रास्ते पर रखे। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो हम उसे डेढ़ के बजाय 1 लाख जा रहे हैं। आप लोगों से एक और भी चीज़ है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है और वह जाना चाहता है तो हम सिर्फ 1 लाख रुपए में बाई एयर जो है इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद जो है हम वो लेकर जा रहे हैं, बाई एयर जो लेकर जा रहे हैं, और टोटल बाई एयर जो है वो 1-10 के अंदर हम मौला की आदत पर 1-10 पर लेकर आ रहे हैं। खाना पीना सब कुछ फ्री है, और वीज़ा सब कुछ इसके अंदर है, जो भी भाई साहब यहाँ पर आना चाहें बिल्कुल ज़रूर ज़रूर। और ज़ारा बेटा आप ज़रूर, इनका नाम आप जो 03 ऊपर नंबर दिया गया है हमारा उसके ऊपर ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, SMS कीजिए, हम ज़रूर ज़रूर आपको जो है ज़रूर आपकी सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, दुआए ज़हरा के लिए दुआ कीजिए, दुआए ज़हरा पर आते रहिए, और दुआए ज़हरा को जितना लाइक कर सकते हैं आप कीजिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं सैयद करम अब्बास नकवी 9 जेम्स हीलिंग की तरफ से, YouTube के ऊपर आप मुझे सैयद करम अब्बास नकवी से सर्च कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।